questions for you today. Number 1, do you want to take admission in Delhi University in 2022? Number 2, क्या आप कोई साइंस का कोर्स करना चाहते हो DU से? And number 3, क्या आप अभी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर रहे हो, फिल करना चाहते हो अपने CAS पोर्टल में? If yes, then this video is just for you. In this video, I am going to tell you guys the complete preference list for science courses. पूरी लिस्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक साइंस कोर्सेज के लिए मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ इसी वीडियो में, एक पर्टिकुलर कोर्स को पकड़कर। सो जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं जो भी साइंस के किसी कोर्स में यानी कि BSc ऐसी कोई डिग्री करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एंड लिस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, दिस प्रेफरेंस लिस्ट वेरीज फ्रॉम कोर्स टू कोर्स एंड स्ट्रीम टू स्ट्रीम। डिफरेंट स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की प्रेफरेंस लिस्ट अलग होगी एंड विद इन स्ट्रीम ऑल्सो साइंस के अंदर भी डिफरेंट कोर्सेज की प्रेफरेंस लिस्ट अलग होगी। अब मैं आपको अब एक ब्रॉडर सेंस में बताने वाली हूँ एक कोर्स को लेके विच इज गोइंग टू बी आर फेवरेट BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स। मैथ ऑनर्स के रिस्पेक्ट में मैं बताती हूँ एंड बाकी साइंस कोर्सेज के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से कॉलेजेस कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये जो प्रेफरेंस लिस्ट भरने का काम है कोई जल्दीबाजी का काम नहीं, इसको आराम से बैठ के हमें करना होगा। एंड इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना होगा BUI बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन की PDF पेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज की थी कुछ टाइम पहले, जिसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पे चले गए, अब आपने अपना कोर्स ढूंढा है। यहाँ पे जाके सपोज BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, तो मैंने अपना कोर्स ढूंढा। उसके बाद ना वहाँ पे सारे कॉलेजेस गिवन है, उनकी लिस्ट गिवन है जो कि वो कॉलेज कोर्स को ऑफर करते हैं, तो उन्हीं कॉलेजेस को हमें रैंक करना है, ठीक है। एंड हमें पहले एलिजिबिलिटी भी चेक कर लेनी होगी अप्लाई करने से पहले ही, ठीक है। नाउ कम्स द पॉइंट नंबर 3 है विच इज़ कि ये मेरी लिस्ट है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग्स में मैंने ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट 2 बारी फिल करी है। मतलब 2 बारी मुझे इससे रिलेटेड काम करने को मिला है। सबसे पहले अपने बैचलर्स के टाइम एडमिशन के टाइम DU में ही, एंड सेकेंडली अपने मास्टर्स एडमिशन के टाइम DU में ही। सो या ये मेरे एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेस्ड पर है, आपको अपनी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी इससे काफ़ी सारा आइडिया आपको मिल सकता है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट नाउ। मैंने अपना कोर्स चूज़ किया है BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, यानी कि BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स के हिसाब से हम इस कोर्स के लिए हम प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करने वाले हैं अभी। तो मैं गई PDF में, मैंने वहाँ पे जाके देखा देयर आर 42 कॉलेजेस ऑफ DU दैट ऑफर दिस कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ना इस पूरी लिस्ट को कुछ ग्रुप्स में बांटा है। सबसे पहले हमारा आता है ग्रुप 1, यानी कि जो बिल्कुल ही टॉप के कॉलेजेस हैं जिनको लिस्ट करने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऊपर रखूँगी सेंट स्टीफेंस कॉलेज को, सेकेंडली मैं रखूँगी हिंदू कॉलेज को, थर्डली मैं रखूँगी हंसराज कॉलेज को, फोर्थली मैं रखूंगी लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन को। अब यहाँ पर एक सीन है, ये है कि हम LSR को स्टीफेंस के बाद यानी कि सेकंड पोजीशन पे भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपको साउथ कैंपस जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड सेकेंडली क्या आपको गर्ल्स कॉलेज जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो LSR को हम ऊपर भी रख सकते हैं, यानी कि हम स्टीफेंस, LSR, हिंदू, हंसराज ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि LSR एक साउथ कैंपस में पड़ता है एंड इट इज़ अ कॉलेज फॉर विमेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉर्ट 4 तक। 5th पे मैं रखूँगी मिरांडा हाउस को, सॉरी। अब मैंने मिरांडा हाउस को 5th पे इसलिए रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा गर्ल्स कॉलेज का कम शौक है, लेकिन अगर आपको गर्ल्स कॉलेज चाहिए तो फिर आप स्टीफेंस के बाद में मिरांडा हाउस को रख सकते हो, क्योंकि रैंकिंग्स के हिसाब से मिरांडा हाउस इज किलिंग इट फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स, पास्ट काफ़ी सारे ईयर्स, ठीक है। देन मिरांडा हाउस के बाद मैं रखती हूँ KMC किरोरीमल कॉलेज को, जहाँ मैं इनिशियली जाना चाहती थी, ठीक है। उसके बाद मैं रख रही हूँ वेंकी, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज को, जो कि मेरा ही कॉलेज था बैचलर्स के लिए। सो वेंकी हो गया। नेक्स्ट मैं रख रही हूँ रामजस को। अब आप रामजस को ऊपर वेंकी को नीचे भी कर सकते हो, डिपेंडिंग साउथ और नॉर्थ का, क्योंकि रामजस आपका नॉर्थ में बढ़ता है और वेंकी आपका साउथ में बढ़ता है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वेंकी इज नोन एज द SRCC ऑफ साउथ कैंपस, सो या ठीक है, ठीक है। देन आफ्टर रामजस यू कैन कीप दौलत राम कॉलेज फॉर वुमेन, DRC विच इज़ गर्ल्स कॉलेज ओनली। तो अब ना लड़कों के लिए क्या होगा कि ये जो सारे गर्ल्स कॉलेजेस हैं ये बीच में से हट जाएंगे, तो आपके लिए थोड़ा प्रेफरेंस लिस्ट और रिफाइंड हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। अभी तक मैंने इन 9 कॉलेजेस को ऐसे रैंक कर दिया, फिर लिस्ट कर दिया है, इसी ऑर्डर में मैं इसको रखती। एंड अब मेरा आता है कैटेगरी 2 कॉलेजेस। अब ये ऐसे कुछ कैटेगरी नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए बनाया क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी है, जो फर्स्ट 9 कॉलेजेस थे इनको रैंक करने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, मेरे को ईजी था रैंक करना, बट जो अब कॉलेजेस आने वाले हैं उसको थोड़ा बहुत सोचना पड़ा, ठीक है। तो मैं इसमें रखने वाली हूँ अपने पास SGTB खालसा कॉलेज, यानी कि 10th नंबर पर हमारा आएगा SGTB खालसा कॉलेज, उसके बाद गार्गी कॉलेज, देन JMC कॉलेज, जीरस एंड मेरी कॉलेज। गार्गी और JMC दोनों ही गर्ल्स कॉलेजेस हैं एंड ये आपके साउथ कैंपस में पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट इज़ योर IP कॉलेज फॉर वुमेन। अब यहाँ पे सिर्फ मैथ्स और CS 2 ही कोर्सेज हैं साइंस के केस में, तो मैथ्स तो ठीक है, IP को हम रख सकते हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, ये नॉर्थ कैंपस में है लेकिन ये गर्ल्स कॉलेज है, तो उस हिसाब से देख लेना। बट आई प्रेफर गार्गी एंड जेएमसी ओवर आईपी, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है। अगर आपको नॉर्थ कैंपस का शौक है तो आप आईपी को ऊपर रख लो, फिर गार्गी, फिर जेएमसी कर लो, ठीक है। तीनों ही गर्ल्स है। नेक्स्ट इज शहीद भगत सिंह कॉलेज, जो मैंने रखा है। एंड नाउ द नेक्स्ट कॉलेज आई हैव केप्ट इज केएनसी व्हिच इज कमला नेहरू कॉलेज। ये गर्ल्स कॉलेज है लेकिन मैंने इसको इस हिसाब से रखा है। उसके बाद मैंने रखा है एआरएसटी कॉलेज को। अब ये कोविड है लेकिन ये साउथ कैंपस में है, तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड नेक्स्ट फाइनली इस ग्रुप में मैंने रखा है मैत्री कॉलेज को, जो कि एक वुमेंस कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, साउथ कैंपस में। सो इसी के साथ खत्म होता है हमारा कैटेगरी 2 कॉलेजेस। एंड अब मैं आती हूँ नेक्स्ट कैटेगरी पे, नेक्स्ट ग्रुप पे, जो कि मेरे लिए डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए ना तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के जो मैंने 2 बताए हैं उसको अच्छे से फिल करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सीन है, मैंने इसको ब्रॉडर डाल दिया है, ऐसे कुछ ऑर्डर नहीं है बट ठीक है। तो मैं ऐसा रखती इसको कि पहले दयाल सिंह कॉलेज, उसके बाद डीडीयूसी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, देन शिवाजी कॉलेज, देन आरएलए रामलाल आनंद कॉलेज, उसके बाद पीजीडीएवी, उसके बाद आर भट्टा, उसके बाद जेडीएमसी व्हिच इज वुमेंस कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज। इसके बाद आप ऐसे ही डाल सकते हो, रामानुजन कॉलेज हो गया, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गया और राजगुरु हो गया। तो ये सारे कॉलेजेस इसके बाद आप डाल सकते हो। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ विच इज़ द ग्रुप 4 कॉलेजेस। एंड इसको तो मैंने बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं किया है प्रेफरेंस पे, इसकी बस मैं लिस्ट बता रही हूँ आपको कि इन कॉलेजेस को आप ऊपर नीचे करके डाल देना, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम बहुत मुश्किल है इसे कैटेगराइज करना, ठीक है। वी हैव यहाँ पे राजधानी कॉलेज, विवेकानंदा कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, एएनडीसी, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, लक्ष्मीबाई, देन माता सुंदरी, देन जाकिर हुसैन, देन एसपीएम श्यामा प्रसाद कॉलेज फॉर वुमेन, देन वी हैव भारती कॉलेज, कालिंदी कॉलेज एंड श्यामलाल कॉलेज। तो ये जो सारे ग्रुप 4 कैटेगरी 4 के कॉलेजेस मैंने बताए हैं, इसको मैंने लिस्ट यानी कि प्रेफरेंस में नहीं डाला है, लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। अब ये तो हमारे सारे कॉलेजेस खत्म हो गए, 41 कॉलेजेस हो गए। अब लास्ट में आप रख सकते हो एक इवनिंग कॉलेज को, अगर किसी को इवनिंग कॉलेज नहीं चाहिए तो, विच इज़ गोइंग टू बी योर पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज। यही एक इवनिंग कॉलेज है जो कि मैथ्स ऑनर्स ऑफर कर रहा है, तो इसका एंड में रख सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी पूरी लिस्ट बन जाती है बीएससी मैथ्स ऑनर्स के लिए। एंड या दिस वॉज ऑल। So yes guys, this was all from my side. I hope that you really like this video. If you did like the video, please do hit the like button and channel को subscribe करने के लिए तो नहीं बोलना पड़े, please कर देना। And yeah, I post a lot of videos on Delhi University on this channel and मैं काफ़ी सारे अपने खुद के college experiences भी share कर रही हूँ, so please subscribe कर लो। And now coming to the part how you guys can reach out to me. सबसे पहले तो you can comment on any YouTube video. I'll definitely get back to you. Secondly, you can follow me on Instagram and ask, वहाँ पर डीएम कर लो, नहीं तो क्यूएनएज भी होते रहते हैं, तो वहाँ पर अपना डाउट पूछ लो, कोई भी हेल्प चाहिए तो। एंड थर्डली इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर यू गाइज विच इज़ यू कैन गेट ऑन अ वन-ऑन-वन मेंटरशिप कॉल विद मी। अब ये जो वन-ऑन-वन मेंटरशिप कॉल है, इसमें हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, वैसे वही कॉल्स लेती हूँ जिसके बारे में मुझे इनफ नॉलेज हो या मैंने उसके बारे में रिसर्च करी हुई हो। सो आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर दो। एंड प्रेफरेंस लिस्ट भरवाने में मैं आपकी मदद पूरी कर दूँगी, ठीक है। एंड या दिस इज ऑल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।